मैं इस जख्म को इस इलाके में अपना स्वागत मानता हूं। इस जगह को अपना बनाने के लिए मुझे स्कार फेस को हराना होगा। सबसे पहले तो मुझे इस जंगल को समझना पड़ेगा, जो जितना मैंने सोचा था उससे कहीं मुश्किल है। मुझे एकदम खामोश रहना पड़ेगा। मुझे एकदम खामोश रहना पड़ेगा और करीब पहुंचना होगा। कमाल है, ये लंगूर है। मुझे इन जानवरों से नफरत है। ये वाकई जंगल का सिक्योरिटी अलार्म है। कोई भी शिकारी दिखा नहीं कि ये चिल्लाने लगते हैं, और मुझे तो इन्होंने 1.5 किलोमीटर दूर से ही देख लिया। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं हूं कौन। जब तक मैं यहां से चला नहीं जाऊंगा, इनकी चीख चिल्लाहट बंद नहीं होगी। इस लंगूर को यहां फैंग कहा जाता है, और इसकी वजह भी है। ये गैंग का मुखिया है। तुझे अंदाजा भी है कि मैं तेरे कितने भाई भतीजों को खा चुका हूं। ये छोटे छोटे बंदर बड़े ही शरारती हैं, जबकि मैं इनका शिकार भी नहीं करता। आज के दिन भी कुछ ढंग का खाने को नहीं मिला। ये हिरण इतने नजदीक हैं कि लगता है मैं इन्हें पकड़ ही लूंगा। मुझे इन बंदरों से छिपने का कोई तरीका ढूंढना होगा, लेकिन ये आसान नहीं है। मेरी खाल इतनी अजीब है कि मेरे लिए यहां खास तौर पर अब शिकार करना एक बड़ी चुनौती बन जाता है, क्योंकि कबीनी में सूखे का मौसम चल रहा है। पेड़ों की पत्तियां झड़ चुकी हैं और जंगल को सूरज ने सुखा दिया है, तो मैं सबको अलग ही नजर आ जाता हूं। मेरे शरीर पर भी धब्बे हैं, सभी तेंदुओं की तरह, लेकिन मेरी बाकी फर काली है। यहां के ज्यादातर तेंदुए मेरे जैसे नहीं दिखते। इसके पीछे एक वजह है। मेरी बात समझ में आई? वो गायब से हो जाते हैं। ये है क्लियो। शायद ये इन परेशान करने वाले लंगूरों में से किसी को पकड़ सके। लेकिन इसे देर हो जाती है।
ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये पेड़ से नीचे गिर जाए। ये जगह कब्जा किए जाने के लायक है। इसकी एक और वजह है क्लियो। इस जगह को अपना बनाने के लिए मुझे दो चीजों की जरूरत है, इलाका और वंशज। क्लियो भरोसे से भरी है, ये ताकतवर है और खूबसूरत भी, तो मैं इसके करीब पहुंचने की कोशिश करता हूं। इस काम के लिए टाइमिंग एकदम सही है। इसके जज्बात को ठेस लगी है, ऐसे में इसे ढाढ़स बंधाकर बात बन सकती है। तो मुझे मौके का फायदा उठाना चाहिए। लेकिन लगता है आज ये मूड में नहीं है। क्लियो इस इलाके में मौजूद सबसे ज्यादा दबदबे वाली मादा तेंदुआ है और इसीलिए ये इसके साथ है। स्कारफेस के साथ। ओ, इन दोनों की तो दाल भी गलती लग रही है। ये दोनों एक ही पेड़ पर हैं, कुछ समझे आप? और मैं यहां नीचे इन जोकरों के बीच हूं। क्लियो स्कारफेस के बच्चों की परवरिश कर रही है। ये जानती है कि जिस तेंदुए का पूरे इलाके पर राज हो, उसके साथ मिलन करने से बच्चों के जिंदा रहने की गुंजाइश बढ़ जाती है। और फिलहाल इस बात को लेकर कोई शक नहीं कि यहाँ का राजा कौन है। स्कारफेस हमें रोज ये याद दिलाता रहता है कि ये साम्राज्य उसका है। अगर मुझे कबीनी जंगल को अपना बनाना है तो मुझे इससे ज्यादा स्मार्ट होना होगा। चुनौतियों के बावजूद मुझे कोई रास्ता निकालना होगा। लेकिन यहां स्कारफेस के अलावा भी बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। भारत के कबीनी फॉरेस्ट में एक चीज और है जो मुझ जैसे ब्लैक पैंथर का यहाँ रहना मुश्किल बनाती है, वो है यहाँ की तेज गर्मी। और ऊपर वाले ने मुझे काले रंग की खाल दी है, इसीलिए मुझे बाकी तेंदुओं के मुकाबले ज्यादा गर्मी लगती है। और ये एक बड़ी मुश्किल है। लेकिन फिर मुझे एक ऐसी जगह मिली जहां कुछ राहत हासिल हुई। ये हैं बैक वाटर्स, जो जंगल में काफी अंदर छिपे हुए हैं। और ये बात भी कबीनी को इतना खास बनाती है। इस जगह पर पूरे साल पानी रहता है, सूखे के दौरान भी। दूर दूर से जानवर यहां पानी पीने आते हैं। लेकिन एक मुश्किल भी है। मैं इकलौता ही ऐसा नहीं हूं जो खुद को ठंडा करने यहां आया हूं। ये है खाल। ये एक जवान टाइगर है। इसका साइज मुझसे 3 गुना है और ये मुझे मार सकता है। खाल का वजन करीब 226 किलो होगा, लेकिन मैं इस चीज को
अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। मेरे पास बचाव का एक ऐसा रास्ता है जिसका इस्तेमाल वो नहीं कर सकता। टाइगर बहुत भारी होते हैं, इसीलिए ये जगह पेड़ों पर चढ़ने वाली मेरे जैसी किसी कैट के लिए जन्नत है। ये इलाका है जादुई पेड़ों वाला। यहां बाघों से बचाव मिलता है। ये है किस्मत, इसकी रानी। ये शानदार, खूबसूरत और जानलेवा है। मुझे इससे डर लगता है, लेकिन मैं इसकी तारीफ भी करता हूं। यहां दबदबा रखने वाले नर बाघ नहीं है, तो यहां इसी का राज चलता है। ये यहां अपने तीन बच्चों की परवरिश कर रही है और फिर ये इलाका इसका हो जाएगा, तब इसे दुश्मनों का डर नहीं रहेगा। काल किस्मत के आगे कहीं नहीं ठहरता, लेकिन ये इसके बच्चों के लिए खतरा है। ये जानता है कि अगर इसने इसके बच्चों को मार दिया तो ये फिर मिलन के लिए तैयार हो जाएगी और शायद इसी के साथ मिलन कर ले। मुझे ये बात कुछ जमती नहीं, लेकिन हम बिग कैट्स को कुदरत ने ऐसा ही बनाया है। किस्मत चाहती है कि खाल उससे ज्यादा से ज्यादा दूर रहे। और इससे मेरे लिए भी एक टाइगर का खतरा कम हो जाएगा। ये सच है कि ये जंगल मुश्किलों से भरा है। बेशक यहां ऊपर मैं सुरक्षित रह पाऊंगा, लेकिन किसी पैंथर को पेट भी तो भरना होता है। मुझे ये जानना होगा कि जिस जंगल में बाघ घूमते हो वहां शिकार कैसे किया जाए, तभी मैं स्कारफेस से उसका साम्राज्य छीनने के लिए उसे चुनौती दे पाऊंगा। माहौल में तनाव है और वो मुझे भी महसूस हो रहा है। स्कारफेस शिकार करने निकला है। खलनायकों को भी पेट तो भरना होता ही है। चीतल हिरण ने इसे नहीं देखा है। लेकिन मां को खतरे का एहसास हो जाता है। उसे पता है कि इन दोनों के लिए बचना तभी मुमकिन होगा जब वो खुद भाग जाए और इसका बच्चा छिप जाए। लेकिन ये तरकीब मैं पहले भी देख चुका हूं और स्कारफेस भी। देखिए वो इस तरह से शिकार करता है। इसकी तारीफ करनी पड़ेगी। स्कारफेस एक माहिर शिकारी है और शायद इसकी इसी खूबी ने
क्लियो का दिल जीता है। इसके बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, तो अब ये फिर से मिलन करेगी। लेकिन मुझे तो अभी काफी कुछ करना है। अपनी काली खाल की वजह से मुझे कबीनी और क्लियो दोनों का दिल जीतने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। स्कारफेस को पूरा यकीन है कि वो यहां का बॉस है। और इससे भी बुरी बात ये कि क्लियो खुद उसके पास जाती है। इतना ही नहीं, वो खुद को पेश भी करती है। इनकी आवाजें सुनकर तो दिल बैठ सा रहा है। लेकिन रोमांस सिर्फ हम तेंदुओं के दिमाग पर ही छाया हुआ नहीं है। सभी नर मिलन का अधिकार पाने के लिए आपस में लड़ते हैं। और इनमें सबसे खूबसूरत दिखने वाले नर भी शामिल हैं। ऐसा लगता है कि मोर अपना इलाका पाने के लिए आपस में लड़ रहे हैं, ताकि वो अपने खूबसूरत पंखों का प्रदर्शन कर सकें। क्योंकि ऐसे पंख तो सिर्फ इन्हीं के पास होते हैं। लेकिन इसकी बदकिस्मती है कि मोरनी ऐसे पंख न जाने कितनी बार देख चुकी है। उसने ये सब भी देखा हुआ है। बेशक इसकी दिलचस्पी इस नर में ना हो, लेकिन मेरी है। धत तेरे की, इन लंगूरों ने फिर मेरा खेल खराब कर दिया। मुझे सबसे पहले खुद को छिपाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। लेकिन शायद हालात बदलने वाले हैं, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है। पिछले 4 महीने से ये जंगल तेज धूप में तपता रहा है। ये एकदम खुश्क और बंजर हो गया है। लेकिन जल्दी ही सब कुछ बदल जाएगा। क्योंकि मॉनसून आ पहुंचा है। ये नया मौसम अपने साथ बहुतों के लिए नई जिंदगी लाता है और मौके भी। मैंने इस जगह को इतना हरा भरा कभी नहीं देखा। लेकिन मैंने बारिश के इस मौसम में
एक और चीज भी देखी है। ये है बादल और इतनी सारी पत्तियां जिनसे छाया मिलती है, ये हर कहीं है और इनके कारण दिन में भी अंधेरा सा रहता है। इस तरह मैं खुद को यहां छिपा सकता हूं। और मुझे खुद को फौरन छिपाना भी होगा। सामने किस्मत मौजूद है और मैं इस वक्त जमीन पर हूं। अगर इसने मुझे देख लिया तो खेल खत्म। तो मैं खुद को छिपाए रखता हूं। और ये मेरे एकदम करीब से आगे बढ़ जाती है। लगता है मैंने कबीनी को समझने का तरीका ढूंढ लिया है, लेकिन एक और जानवर है जिससे ये जंगल सहमा रहता है और खुद को छिपाकर मैं इसे धोखा नहीं दे सकता। अगर इसकी आवाज सुनाई दे तो मेरी तरह भागने में ही भलाई है। यहां की सुबहें बहुत ही खूबसूरत होती हैं। हर चीज धुंध की चादर में लिपटी होती है, लेकिन इन हालात का फायदा उठाने वाला यहां सिर्फ मैं ही नहीं हूं। ये अलार्म कॉल्स मुझे लेकर नहीं दी जा रही। ये इन डोल्स के लिए है जिनसे मैं भी डरता हूं। ये हैं कबीनी के जंगली कुत्ते। इनसे पूरा जंगल डरता है। मैं इसे एक या दो का सामना तो कर सकता हूं, लेकिन इनका झुंड जानलेवा होता है। इनसे तो बाघ भी डरते हैं। झाड़ियां भी मुझे इन जानवरों से नहीं बचा सकती। इनकी नाक भी बहुत ही गजब की होती है और इनकी तादाद फिलहाल 20 है, यानी 20 नाक। तो एक ही रास्ता है, पेड़ पर चढ़ जाना। तू नहीं चढ़ पाएगा, इससे आगे इसका पहुंचना नामुमकिन है। डोल्स को कुदरत ने पेड़ों पर चढ़ने की खूबी नहीं दी। उनके पास इस काम के लिए ना तो नाखून होते हैं और ना ही मसल्स। ये जानते हैं कि ये अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन अब ये कहां जा रहे हैं? ओह, इनका झुंड तो बैकवाटर्स की तरफ जा रहा है। वहां इन्हें जो मिलेगा उसे अपना शिकार बना लेंगे। किसी वाइल्ड बोर को पकड़ना आसान नहीं। इनके दांत किसी डोल का पेट फाड़ सकते हैं।
और तभी जैसे बड़े बड़े ये हाथी भी इन्हें भगाने के लिए आ पहुंचते हैं। अगर किस्मत हमारी रानी है तो हाथी हमारे लिए देवता जैसे हैं। ये आपस में मिलने जुलने और साथियों को ढूंढने के लिए बैक वाटर्स पर इकट्ठे हो जाते हैं। कबीनी में एक हाथी ऐसा है जिसे हर कोई सम्मान देता है। इसका नाम है बोगेश्वरा और कहते हैं कि एशिया में इसके दांत सबसे लंबे हैं। यहां भी हाथियों का शिकार वैसे ही किया जाता है जैसे कई दूसरी जगहों पर। ये पूरा पूरा दिन कबीनी के घास के विशाल मैदानों में चरते रहते हैं। शायद ये शाकाहारी जीव होंगे। तू नहीं चढ़ पाएगा। इसके दांत बेशक बड़े हैं लेकिन डोल्स सिर्फ झुंड से ही डरते हैं। भला ये इतने बड़े जीव को क्यों खिंचा रहे हैं? इसकी वजह इलाका है या फिर ये इन्हें शिकार समझते हैं? कौन जाने, डोल्स सिरफिरे होते हैं। खैर जो भी हो, लगता है बाकी झुंड के हाथ खजाना लग गया है। डोल्स वाकई बहुत परेशान करने वाले शिकारी हैं। हम तेंदुए हाथियों के साथ नहीं उलझते, हम तो इनके साथ मिलजुल कर ही रहते हैं। कोई नौसिखिया ही इन विशाल जीवों से भिड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर बात गुस्सैल और कम उम्र बाघ की हो तो मसला कुछ और है। क्या खाल वही करने वाला है जो मैं सोच रहा हूं? इसमें कोई शक नहीं कि उसमें हिम्मत है। हाथी के इस बच्चे का वजन 90 किलोग्राम है तो ये भरपेट खुराक साबित होगा। ये इतना बड़ा है कि बच्चे को मार सके। बस इसे सही पल की तलाश है। तो भला कोई टाइगर 10 टन वजनी किसी हाथी के करीब तक छुपकर कैसे पहुंचेगा? ओ समझ गया, ये क्या करने वाला है। और ये भी समझ गए हैं। दिन में सपने देख रहा है। इस बाघ को नहीं मालूम कि बच्चे की हिफाजत सिर्फ मां नहीं करती, पूरा झुंड करता है। हाथियों के हक में उनका साइज, उनका दिमाग और उनकी संख्या है। इन्हें कोई नहीं छू सकता और शायद शेरों से इनकी पुरानी रंजिश भी है।
खाल वो ये बात भूलने वाले नहीं है। माहौल में फिर से बदलाव आ रहा है। मॉनसून का मौसम खत्म हो रहा है। इससे पहले कि कबीनी का जंगल सूख जाए, हर कोई मौजूदा वक्त का भरपूर फायदा उठाने की कोशिश में है। एक बार फिर मेरे लिए शिकार करना मुश्किल हो गया है। मुझे सूख चुके जंगल में खुद को छिपाने की कोशिश करनी होती है, लेकिन बारिश के मौसम में मैंने जिंदगी से कुछ सीखा है। मैं छाया में छिप सकता हूं। तो सूखे के मौसम में भी मैं अंधेरा ढूंढ सकता हूं। अब ये मेरी दुनिया है। अब मेरे पास एक रणनीति है। सबसे पहली बात, मुझे इन खुराफाती लंगूरों की नजर से बचकर रहना होगा। ये पूरे जंगल में ये बात फैला देते हैं कि मैं शिकार पर निकला हूं, पर मैं अब अपनी साथी छाया का इस्तेमाल कर सकता हूं। अभी तक सब कुछ ठीक ठाक रहा है। कोई अलार्म कॉल नहीं आई है। मुझे बस थोड़ा सा करीब और पहुंचना है। एक बार रेंज में पहुंच जाऊं, उसके बाद ये बंदर जितना चाहे चीखते चिल्लाते रहें। रोशनी जितनी चमकदार होगी, अंधेरा उतना घना होगा। बादल, पेड़, सूरज, छाया, सारी अहमियत टाइमिंग की है। अब हमला करना होगा। हर शिकार के साथ मैं ज्यादा ताकतवर, ज्यादा विश्वास से भरपूर होता जा रहा हूं। जल्द ही स्कारफेस मेरे सामने होगा और इस इलाके पर राज करने के लिए मैं उससे भिड़ूंगा। लगता है क्लियो ने शिकार किया है और शिकार काफी बड़ा है। इसके बच्चे बड़े हो चुके हैं, तो शायद ये आखिरी बार अपने परिवार के लिए शिकार कर रही है। लेकिन ये घबराई हुई है। इसके बच्चे छिपे क्यों हुए हैं? ओह, तो ये इसकी वजह है। खाल, अगर उसने इसके यहां होने का पता लगा लिया तो वो इसे और इसके बच्चों को मार देगा। तो इसे झटपट बच्चों को यहां से निकालना होगा। खाल हिरण को खाता है तो खाता रहे। लेकिन तभी
हाथी यहाँ पहुँच जाते हैं। कहावत है ना, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है। काल ने कभी इनके एक सदस्य को धमकाया था और ये इस बात को भूले नहीं है। पता नहीं क्लियो को ये मालूम भी है कि नहीं कि इस पूरे वक्त मेरा दिल सिर्फ इसी को चाहता रहा है। कबीनी में सुबह का समय है और मैं एक्शन के लिए तैयार हूं। ये साम्राज्य क्लियो के इर्द गिर्द ही घूमता है। ये अपने इलाके की निशानदेही करती रही है। यहां इसकी गंध बिखरी हुई है जो बताती है कि ये कोई साथी ढूंढ रही है। स्कारफेस समेत कोई दूसरा तेंदुआ भी ये बात जानता होगा। पर क्लियो है कहां? ओह, ये रही। क्या ये स्कारफेस के साथ ही रहने वाली है या फिर मुझे चुनेगी? ये तो स्कारफेस की आवाज है। आज मेरी किस्मत का फैसला हो जाने दो, नतीजा चाहे जो भी हो। अब जो होगा देखा जाएगा। और अब ये जंगल मेरा होने वाला है। स्कारफेस, तू तो डरकर पेड़ पर चढ़ गया। स्कारफेस, अब तू मेरे इलाके में है। और क्लियो, अब तेरी मेरी जोड़ी इस जंगल पर राज करेगी। अब जंगल की शक्ल बदल जाएगी। अब ये जंगल मेरा है, या यूं कहिए कि हमारा। जंगल इसका भी।